गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को असलहे के बल पर 1,40,000 रुपए लूट कर शातिर बदमाश हुए फरार। एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। चिलवाताल थाना क्षेत्र के बंजरहा गांव के पास हुई वारदात। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा घटना का जल्द होगा खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थापित BSL-3 लैब कोरोना संक्रमण की जांच के लिए प्रदेश वासियों के लिए होगी वरदान साबित। प्रदेश में स्थापित सबसे बड़े लैब में कोरोना सहित अन्य बीमारियों की होगी जांच, इलाज में मिलेगी सहूलियत। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण की चुनौतियों की समीक्षा। बढ़ते मरीजों की संख्या पर जताई नाराजगी, कहा अधिक से अधिक करें टेस्टिंग, उपचार में ना बरतें लापरवाही। सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक। शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश, कहा जल भराव से निजात के लिए बनाई जाए ठोस योजना। COVID-19 के प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीजों के तय शुल्क के अतिरिक्त अन्य कई तरह की मद जोड़कर लाखों रुपए का बिल वसूलने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अस्पष्ट आदेश, कहा अनदेखी करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त प्रदेश सरकार ने 4 अक्टूबर को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आवंटित परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि के लिए तैयार DPR की समीक्षा, कहा भेजी जा चुकी है परफॉर्मेंस ग्रांट के 50 लाख रुपए की पहली किस्त। नवागत CO GRP रत्ना मिश्रा ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा रेलवे की संरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा होगी प्राथमिकता। जहर खुरानों के खिलाफ चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। गोरखपुर जिले में शुक्रवार को कोरोना के मिले 179 नए संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 12,395, एक्टिव मरीज हुए 3,040। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों से की अपील, कहा किसी भी तरह का लक्षण दिखने पर जांच शिविर पर पहुंचकर कराएं निःशुल्क कोरोना जांच। लाभार्थियों को घर के नजदीक ही मिल सकेगी परिवार नियोजन की अस्थायी साधन, त्रैमासिक अंतरा इंजेक्शन और साप्ताहिक गोली छाया की सुविधा। जिले में 20 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और 6 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इसी माह शुरू की जाएगी सुविधा। तिवारीपुर पुलिस ने देशी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। CO कोतवाली ने कहा चोरी के कई मामलों में चल रहा था वांछित, भेजा गया जेल। और नवीन महवा मंडी समिति के द्वारा मंडी परिसर में लगाया गया जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी। मंडी सचिव ने कहा प्रदर्शनी से जैविक उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा।